मैंने खुद सुना है, ठीक कह रही हूँ मैं, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, तुम खुद देख लेना, एहसन ने सारा को जायदाद से बेदखल कर दिया है। इस सब में हमारे काम की कोई बात नहीं, सारा को बेदखल करने से हमें क्या फायदा? अरे फायदा तो तब होता जब एहसन कहता कि सारा की सारी जायदाद मैं अपनी प्यारी बीवी शाजमा के नाम करना चाहता। हाँ ये तो मैंने भी सोचा था। और अगर वो सारा की जायदाद किसी को देगा तो वो बेला को देगा, तुम्हें नहीं। इसका भी मुझे अंदाज है, इसीलिए तो मैं सोच रही थी कम से कम ये घर अपने नाम लगवा लूं, एटलीस्ट ये घर तो दे सकते हैं ना वो मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, मांग कर देख लो उसे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ आज शाजमा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम मत लिया करो, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा आइंदा ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम प्लीज मुझे मशवरा तो दो ना। देखो शाजमा, एहसन ने अपने वकील से ऐसा कहकर सिर्फ अपना गुस्सा उतारा है, अगर सारा ने तगड़ा वकील कर लिया ना तो एहसन की वसीयत एक आने की भी नहीं रहेगी। लेकिन सारा ऐसा तब करेगी ना जब उसे बाप के फैसले का पता चलेगा। इस बार वो सारी कश्तियां जला कर गई है, बहुत इम्कान है कि एहसन से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग, इसलिए हमें अपने प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। टाइम है हमारे पास, डोंट वरी।